हेलो मैं शोका गैंग। तो वेलकम बैक यार, ये वीडियो पॉडकास्ट होने वाला है अभी भाई के साथ, एंड हम लोग भूल गए इंट्रो रिकॉर्ड करना। यप, क्या ही कर सकते हैं, अब चलो ऐसे ही शुरू कर देते हैं। लेट्स बिगिन। पोहा खा रहा है हरामखोर। अरे भैया बताओ, लाइफ ठीक है, वो क्या चीज है जो आप इतना रिग्रेट करते हो कि हाँ भाई ये 10वीं तक क्यों नहीं किया मैंने, 10वीं के बाद ही क्यों पता चला मुझे ये। हाँ, के बाद 10वीं तक ये चीज क्यों नहीं कर पाया मैं। 10वीं तक मैं चूतिया बना रहा है। एक्चुअली चूतिया इन द सेंस देख बनाता हूँ। 10वीं में आने के बाद मेरे को थोड़ा लोगों का लाइक इम्पोर्टेंस समझ में आया, ठीक है, कि कौन जरूरी है कौन नहीं है जीवन। 10वीं तक मैं सबको 100% दे रहा था। 10वीं तक सबसे एकदम ऐसा खुल के, भाई अगर ये जा रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, और कि कोई मुझसे नाराज है तो मुझे बुरा लग रहा है, मुझे नहीं पता किस बात पे, पर बस बुरा लग रहा है, ठीक है। तो 10वीं तक मुझे समझ नहीं आई थी सही वाली कि भाई लोग मतलब एग्जैक्टली क्या मैटर करता है कौन लाइफ में। अगर 10वीं तक आ गई होती तो मेरी 11वीं पकअप नहीं होती, क्योंकि मुझे 11वीं में भी नहीं आया ठीक से। तू जानता है इस चीज की हाँ बात कर रहा हूँ मैं। तो 11वीं में भी नहीं आया, 12th में आके सबसे बड़ा ऐसा बैंक का ब्रेकडाउन आया, और उसके बाद से सब सेटल हुआ है कि हाँ ये सब मैं रिग्रेट करता हूँ। अगर मैं 10th में कर लेता तो मेरी 11th ठीक चली जाती, जिससे कि मेरी 12th ठीक जाती, जिससे मेरा नीट होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते। लेकिन अभी नहीं भाई, अभी तो मैं तो सबसे ज्यादा वही चीजें रिग्रेट करता हूँ। और हाँ, थोड़ा लुक्स पे ध्यान देना था, बिकॉज यू नो अब मेरे को ऐसा पता चला है कि नहीं, मेरी दाढ़ी शेमिंग कुछ चैनल पे नहीं चलेगा। दाढ़ी शेमिंग नहीं 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 अभी अभी क्लीन शेव भी आया हूँ। अमोंग ऐसे देखो, ऐसे कर, ऐसे करना भाई आई क्लीन शेव किया चूतिया ने। देखो एक्चुअली लुक्स की बात मैं सिर्फ दाढ़ी पे जाके नहीं कर रहा, अभी मुझे पता चला है लाइक कुछ दिन पहले मेरी कुछ प्रीवियस क्लासमेट्स को मुझ पर 3-4 साल से क्रश था। भाई भाई, ये मेरा रिग्रेट है। एक्चुअली कह रहा हूँ, ये मेरा रिग्रेट है, चलो मेरा फिर ये आपको रिग्रेट है। रिग्रेट, देखो पहले अमोक की बात सुनते हैं भाई। हाँ तू है, बता मेरा रिग्रेट ये है, मतलब तुम्हारे जैसा बड़ा रिग्रेट तो नहीं है, बट है कि रिग्रेट, मैंने 10th तक पढ़ाई के अलावा और कुछ पे ध्यान ही नहीं दिया। इतना चूतिया बना रहा कि पढ़ाई के अलावा और कुछ किया ही नहीं मैंने। तुम रिग्रेट सुन रहे हो, उसका रिग्रेट ही है क्योंकि 10th तक पढ़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं। ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह वो, हाँ भाई, एट दैट पॉइंट, बट हाँ, मैंने इंसानों पे ध्यान ही नहीं दिया भाई। नहीं, आसपास इंसान तुम पे ध्यान दे रहे थे लेकिन तुम खुद में इतना बिजी थे कि नहीं ध्यान दे एग्जैक्टली पाए। भाई, मैं मतलब नाम तो नहीं लूंगा उनका, ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकता, बट भाई क्या ही पिकअप लेन मारा उन्होंने मेरे पे, आए हाय हाय, मतलब क्या ही सही पिकअप लाइन। तो मिस्टर आगे बताएं। तो भाई क्या ही पिकअप लाइन मारा, ठीक है। क्रिसमस का टाइम था, प्रेरणा में ऐसा होता था कि प्रेरणा मतलब स्कूल, लड़की का नाम नहीं है वो, ठीक है। हाँ, वो प्रेरणा स्कूल का नाम है। अरे तुमको क्या लगता था लड़की का नाम है? लगा था मैं लड़की का नाम ऐसे नहीं लेने वाला भाई। कोर्स नहीं लेने वाला भाई। ठीक हाँ, लड़की का नाम जानना है ना तो इंस्टा आईडी है, नीचे डीएम कर दो, बोल दूंगा, ठीक है। एक्चुअली तो हाँ, तो क्या हुआ कि क्रिसमस का टाइम था, सब अपने अपने, मतलब वो हमारे यहाँ एक सिस्टम होता था कि चिट से लेना है, जिन जो आता है नाम वो ले लेना है, उनको गिफ्ट देना है क्रिसमस के दिन। हाँ, तो मेरे को क्रिसमस के टाइम वही लड़की को मेरा नाम आया था, तो उसने मेरे को एक गिफ्ट दिया, मेरे को पता चला कि वो फोटो फ्रेम है, ठीक है। मैंने बोला ये गिफ्ट खोलू, उसने बोला नहीं, घर जाके खोल या मत खोल। मैंने बोला फोटो फ्रेम तो है, ये तो पता चल रहा है, क्या है बता दे, क्योंकि क्यूरियोसिटी हैंडल नहीं होती मुझसे। तो उसने बोला हम दोनों हैं। फिर मेरे को लगा कि भाई इसके साथ मैंने पिक कब लिया, मैंने तो अरमान के साथ तक पिक नहीं लिया सही से। मैं सोच रहा था फिर घर जाके खोल के देखता हूँ, भाई राधा कृष्ण की फोटो है। ओ फक भाई,
भाई ये होता है फ्लर्ट। इसको भाई हेल्दी फ्लर्ट इसको कहते हैं भाई। एग्जैक्टली हालांकि जिससे तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो वो अलग चीज है, बट स्टिल हाँ भाई भाई कंपेयर तो भाई समझ दूर की बात है। एग्जैक्टली रहे। ये राधा कृष्ण का फोटो था भाई मैंने हॉल में टंगा रखा है उसको मेमोरी के हिसाब से कि मैं कितना बड़ा चूत इंसान था। राइट फॉर द फुल स्टोरी डीएम मी आमो को कर सकते हो भाई। भाई देखते भाई ये तो अच्छा है। मैं बताऊं देख मैं बता रहा मेरे 10th तक का लाइफ इज लाइक ऐसे स्टूडेंट के रूप में जिसको लगभग ये टीचर प्यार करता है ठीक है। बिकॉज देख इंग्लिश था फ्लुएंट तो इंग्लिश वाली टीचर लाइक करती थी। मैं म्यूजिक में अच्छा था इसलिए मुझे हिंदी वाले टीचर थे विष्णु गोपाल सर वो बहुत पसंद करते थे कि वो म्यूजिक भी सिखाते। एंड डायरेक्टर मैं तो मेरा थोड़ा पॉपुलैरिटी तब पहुंचा जब मैंने ब्लॉग्स डालना शुरू किया। एक ट्रिप गई थी आगरा चैनल पे ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं वो पूरे स्कूल के पास थे उस टाइम। लिटरली जो लोग ट्रिप पे गए थे सबने देखा। एंड मैं अपने शहर में मोमोज खा रहा हूँ खड़ा होकर कोई आता जाता बोल जा रहा है अरे ब्लॉगर बिकॉज जानने वाले ही है लगभग सब। अरे ब्लॉगर भाई अरे तुझे बहुत पसंद है भाई मतलब। और फिर पता है डायरेक्टर मैम का मतलब टेक्स्ट क्या आता है मेरे को कि अभय आई सॉ योर ब्लॉग्स आई थिंक दैट्स रियली नाइस कंटेंट आप बहुत अच्छा काम करते हो आप मेहनत करो आप उस ब्लॉग में से गालियां हटा दो मैं उसको स्कूल की वेबसाइट पर डालना चाहती हूँ। भाई गालियों के साथ ही डाल देते हैं वेबसाइट यार। अरे यार गालियों के नाम पे चूतिया था उसमें चूतिया गाली थोड़ी होती है। एग्जैक्ट भाई ये एक तो टीचर्स का ही है कि गाली होती है। हाँ भाई साले भी बोल दो तब भी तुम्हारे लिए। अब मैं भाई बस मेरे चैनल का नाम एफजी है पति सावित्री ब्लॉग तो है नहीं सती सावित्री ब्लॉग भाई नहीं आता यार वो मेरे को भाई मेरे को अंदर से निकलता हो तुम मेरे को रोक लोगे आसपास वाले को थोड़ी रोक लोगे स्कूल एग्जैक्टली वाले वही तो को। भाई। आजकल तो सचिन तेंदुलकर भी गाली देने लगा है। एग्जैक्टली बैट के दिन बैट भाई कसम से कह रहा हूँ मेरे बैट का ग्रिप निकला हुआ था भाई। मेरे दोस्त पूछ रहे थे भाड़ा 1 घंटे का भाड़ा कितना लेता है सचिन। डर लाइक मेरी और छुट्टियां से बात हो रही थी रैंडम तो इवेंट लाइक कि यार अबे सोच तेरा नीट नहीं हुआ मेरा नीट नहीं निकला मान लो। अब मैं डिप्रेस होके घर पे गया यहाँ कोटा से यूपी मैं देखता हूँ मतलब भाई मैं बैट की लंबाई चेक कर रहा हूँ हाँ बाबू इतना है वो भी सही। और भाई एकदम एग्जैक्ट डबिंग है यार। हाँ भाई वही ना भाई टैलेंट। देखो इंडिया में टैलेंट बहुत है तुम डायरेक्शन देखो उसकी भाई साहब बैट का ग्रिप ट्रू निकाल ट्रू दो मतलब समझ रहे हो डायरेक्शन कहाँ जा रही है बैट के ट्रू ग्रिप ट्रू पे। इतने बढ़िया टैलेंट की भाई डबिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है इंडिया में कि सही में भाई। दुनिया की भाई हर मूवी में होती है डब लगभग। मतलब मूवीज की डबिंग तो खैर हाँ हॉलीवुड की बात आती है तो भाई पता है मैं ना पहले चूतिया था वो सबको पता है ठीक है। अगर अगर किसी को नहीं पता है मेरे चैनल पे नए इंसान है तो भाई मेरा निकनेम हुआ करता था स्कूल में चूतियों का चक्रवर्ती ठीक है। मेरे को पता है हाँ तो भाई मैं इतना चूतिया था कि अवेंजर्स एंड गेम देखने जा रहा था मैं अप्रैल 26 को ठीक है। डेट भी याद है मेरे को पता नहीं क्यों बट हाँ अप्रैल 26 को एंड गेम देखने जा रहा था। अप्रैल 25 को मैंने बैठ के सारे स्पॉइलर देखे क्योंकि मुझे लगता था कि कंटेंट जान के थिएटर में जाना कूल बनना होता है। भाई ये जान के जाना कि आयरन मैन मरने वाला है कूल बनना होता ताकि जहां वहां पे जाके तू बोल सके ओए इधर आ ए चुके इधर आ मेरे को पता है देख ये ना है। अभी ये ये ना करेगा अभी ऐसे अभी मर उठ जाएगा जाएगा। अभी यही मर जाएगा अभी देखना पेपर पॉट से है ना उसके गांड पे लाट ऐसा लट मारेगी और वो मर जाएगा अभी देख नहीं अभी देख टोनी भाई चुटकी बजाएंगे भीमा के मार देगा। हाँ अभी मार देगा भाई। स्पॉइलर्स की बात हो रही है ना अभी
एलन के क्लासरूम में ही सत्तन नाम का एक मेरा दोस्त है, तो इज लाइक कि मतलब मैं मतलब मांगा रीडर है, तो तुझे पता है मांगा रीडर्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। भाई एज बीइंग वन पीस मांगा रीडर, यस आई एम वेरी मच सुपीरियर। ठीक है, तो पता नहीं क्यों तुम लोग खुद को सुपीरियर समझते हो। वो आदमी मतलब कोई कोई लेना मतलब ऐसा आउट ऑफ नोवेयर सडनली आके मेरे से बोला कि यार देख जुजुत्सु काइसेन में ना ये होता है। मैंने मां कसम उसके बाल लंबे हो गए, मैंने उसके बाल पकड़ के लोहे की टेबल धड़ 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 3 बार दिया उसका सिर, और हंस रहा है चूतिया बात पे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने 3 बार सर दिया उसको ऐसे करके बेंच पे। उसको समझ में आ गई कि मुझे स्पॉइलर नहीं देना चाहिए, मैं भाई वायलेंट हो जाता हूँ स्पॉइलर्स पे। ऊपर से जुजुत्सु काइसेन गोजो के बारे में बोल रहा है क्या होने वाला है। पता है मैंने ना लाइक ऑलमोस्ट जीवन में पहली बार पप्पा के सामने गाली बक दिया था एंड गेम के थिएटर में। पप्पा को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, 3D में देख रहे थे, पप्पा को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। पप्पा वाज लाइक ये बैंगन रंग वाला कौन है, अब ये लाल रंग वाली लड़की कौन मर गई। पप्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पप्पा को बोल रहा हूँ पप्पा उसका नाम नेब्यूला है, वो थैनोस की बेट। पप्पा बोल रहे अच्छा ये नीला डोरेमोन है। भाई पप्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है एंड तक हुआ है, सारे एवेंजर एक साथ है, इतना हाइप हो रहे हैं। पप्पा आज लाइक अरे क्या अभी मतलब क्या महाभारत होने वाला है क्या? महाभारत पप्पा तुम समझोगे नहीं। पप्पा बोले हाँ मैं समझूंगा नहीं। पप्पा फोन देखते बैठ गए। ठीक है मेरे को मैंने इंग्लिश वाली स्पॉइलर देखी थी ऑब्वियसली, मैं गया था हिंदी देखने। मैं चूतिया था जो हिंदी गया था, तो जैसे ही कैप्टन ने अवेंजर्स बोल के म्योनिर पीछे खींचा, हाँ। सारे खड़े हो गए, मैं भी खड़े, मैं जोर से चिल्लाया असेंबल, क्योंकि इंग्लिश देख रहे हाँ। डबिंग में आ गए आक्रमण। हाँ। मेरी फिर अटक गई, मैं चिल्लाने में मैं बोला अबे तेरी माँ के से बाजू पापा को देखा मैं, वो ओफा ये मेरी माँ का है, ये मेरी माँ का बट यार क्यों क्या भाई, भाई कसम से कह रहा हूँ एंड गेम के हिंदी डब का एक ही रिग्रेट है। अबे राउडी राठौर वाला भी तो एक सीन था उसमें, वो तो इतना भाई क्या था वो। हाँ भाई गाने के राउडी रेफरेंस क्या बात चल रही थी, कहाँ पहुंचा दिए भाई हिंदी डब को, exactly, भाई कुछ भी डाले जा रहे हैं यार, कुछ भी डाले जा रहे हैं। एक बार राधे मोहन वाला हेयर स्टाइल कर दो, कौन सा राधे मोहन वाला तेरे नाम का राधे मोहन को, अरे नहीं छोड़ आगे ले भाई राधे मोहन स्प्लिट कर लो भाई भाई बट स्टिल इतने मतलब सलमान भाई मतलब भाई जोक्स इज नॉट जोक्स एनी मोर भाई। जापानीज में ना जितना मतलब मकोटो शिंकाई का क्रेज है ठीक है, उतना सलमान का होना चाहिए था, क्योंकि भाई ने योर नेम पहले रिलीज कर दी। हाँ एग्जैक्टली तेरे नाम और क्या ही है फिर, तेरे नाम भाई एग्जैक्टली तेरे और लीवाई, नाम और लीवाई का हेयर स्टाइल भी था उसमें, लीवाई का हेयर स्टाइल भाई ये सब ये जापान वगैरह में जो कॉपी है ये कुछ नहीं भाई, भाई भाई है भाई सलमान भाई भाई को ऐसी थोड़ी भाई बोलते हैं। एग्जैक्टली ये नहीं डाल रहा मैं पक, ये नहीं डाल रहा डाल भाई बोर्ड्स बोर्ड्स भाई अभी बोर्ड्स हुए ठीक है, हमारे होमीज हैं कुछ ठीक है, तो मतलब हम 6-7 लोग हैं ऐसा, 2-2.5 साल से साथ में हैं, खुद ही काटते हैं हम लोग व्हाट्सएप के जीसी पे, एंड यहाँ पर बहुत सारा बैठ मेरे सामने पोहा खा रहा है आदमी ऐसा हंसता भाई जानवर भी। हाँ तो बोर्ड्स का सीजन था अभी, परेशान थे लोग एकदम से ठीक है, जो लोग मैंने देखा कि ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, अकाउंट डीएक्टिवेट मार रखा भाई साहब, और क्या बोलते हैं बस जब भी उनका मतलब ऐसे कोई रैंडम फोटो शेयर हो रहा है सामने स्टिकी नोट्स, देखो मेरे स्टिकी नोट्स का हाल दिखाता हूँ तुम्हें, ये पहला स्टिकी नोट है उसपे भी मैंने अभी तक तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लिखा है बस, अरे अरे और वो भी चिपकाया नहीं है, टैटू चिपकाया नहीं है मैंने भाई ये तो रटा हुआ है मुझे भाई, मुझे मेरे बेसिक्स नहीं गए थे ना तो रखने पड़ेंगे।
छोड़ना। हाँ टॉपिक क्या था कि जो लोग ऐसा भयंकर पढ़ भी रहे थे, जब पता चल रहा था पढ़ रहा है, कॉल वॉल भी नहीं उठा रहा इंसान, कॉल कॉल उठा के बोल रहा भाई पढ़ रहा हूँ मैं, बोर्ड जा रहा है, ये साल 10th है। तो उन लोगों के मैंने 75 71 आते देखे, तो इट्स नॉट लाइक उन्होंने मेहनत नहीं करी। द थिंग इज बोर्ड इज शिट, सुन लो, बोर्ड ही शिट चीज है। तुमने ट्रू कम मेहनत नहीं करी कभी भी, बोर्ड शिट होता है कुछ। सीबीएसई बोर्ड सबसे गंदी चीज है दुनिया की, मैं सही बता रहा हूँ। तू यूपी बोर्ड पढ़ लो जाके, बेटर है भाई। भाई तुमको कर्नाटका बोर्ड की कोई आइडिया नहीं है। लिटरेसी रेट देख साले अपना, तू उसके बाद बात करना हमारा देख। भैया तुम सिर्फ लिटरेसी रेट देख रहे हो, तुम चीटिंग रेट नहीं देख रहे बोर्ड के। टीचर खुद आके आंसर बोल रहा है सही में भाई, आईडी कार्ड पहन के आए हैं। ठीक है, पता है क्या आईडी कार्ड पे क्या लिखा है? सिक्योरिटी क्या स्क्वाड। स्कॉल्टी है। चिट पकड़ने आते हैं वो लोग, चिट हाँ लेके आए। गद्दारी तुम देख रहे हो मतलब गद्दारी कितनी लेवल की हो रही है, देख रहे थे? भाई कर तुम भाई मतलब सही है। नहीं यार सीबीएसई बोर्ड देख, मुझे पता है मैंने बोर्ड में चीटिंग नहीं करी, और माँ कसम मेरे जीवन की मैथ्स बकचोदी मैंने क्लास 10th में करी है। सेम मैंने अपने सबसे ज्यादा एने में 100 एने में, लाइक 365 दिन में 100 एने में खत्म किए मैंने। मैंने अपने चैनल का मोस्ट ऑफ द कंटेंट मैंने 10th में ही डाला है, ठीक है। और तुम लोग देख सकते हो जाके 10th, मतलब मैंने 9th से चैनल स्टार्ट किया था, और मैक्स मैक्सिमम कंटेंट जो है मेरा वो 10th में ही डाला है मैंने। भाई मैंने मैंने 10th की शुरुआत में एक वीडियो डाली थी सेइंग कि शायद वीडियोस कम आए, मैंने ज्यादा डाले। भाई और मतलब मतलब ये सब करने के बावजूद 85 लाया हूँ मैं ना पढ़ के। मेरे हिंदी में सुनेगा कितने थे? हिंदी में सुनेगा कितने हिंदी में कितने थे? थे? 99। 100। भाई ये भाई लॉर्ड ऋषिक को पता है क्या होता है? मैं बोलता हूँ भाई ऋषिक यार 1 महीने से ये हो रहा है, वो बोलते महीना मतलब दिन ना। तू क्या बोलते महीना दिन? दोनों हिंदी है, एग्जैक्टली दोनों हिंदी है। भाई इतना परेशान हो जाता हूँ, इतना गुस्सा हो जाता हूँ ना उसपे। मैं 1000 बोलता हूँ, बंदा 100 टाइप करता है। अरे भाई और बनाओ आंध्रा के दोस्त। पापा का कॉल आउट आंध्रा के दोस्त। अरे अरे बट यही सही है ना यार मेरे को। लाइक भाई खाना बनाना आता है, एक कपड़े धोता हूँ, कपड़े सिलता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ भाई, रिलीजियस भी हूँ, अरे पढ़ भी भाई लेता हस्बैंड हूँ मटेरियल है, लौंडा हमारा हस्बैंड मटेरियल है, बस बंदी नहीं भाई, मिलती इस फास्ट तरह। रिचार्ज भी करवाता हूँ, और क्या चाहिए। भाई देखो ऐसा नहीं है, भाई पे लौंडे की कमी है, लड़कियों की कमी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चार चार बेटियों से शादी कर ए लो। भाई ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, घर पे वीडियो देखते मेरे, ये नहीं। अरे तू थोड़ी बहुत गालियां तो मैंने गांडू वांडू दिया डालने वाला ना इतना, तो हाँ चल जाएगा घर पे यार। बहुत चिल पेरेंट्स है तेरे। मैं तो साले भी बोल देता हूँ, मेरी मार भी जाती घर पे यार। पहले बहुत हुई है और मुझे भाई। पता है, और मुझे ये पता है मेरे साइड से तेरे कोई जानता नहीं, भाई फर्क पड़ता है। ट्रू फैमिली दो वाले वीडियोस देख लेते हैं भाई, लेकिन तो तेरी तो क्यों नहीं देखेंगे, मुझे पता। हाँ मैं का साउथ वाला दोस्त है, टॉपर है भाई, तेरे को एज अ टॉपर इंट्रोड्यूस किया, वरना मुझे बात ही नहीं करने देते ये लोग। यहाँ पढ़ाई लिखाई में अच्छा लड़का इन्फ्लुएंस अच्छा रहेगा इनके हिसाब से। अगर तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो तो भले ही तुम एक आतंकवादी हो, तुम एलिजिबल हो दोस्ती के लिए। अब पढ़ा लिखा तो आतंकवादी भी होता है, ISIS वाले भी भाई सारे पढ़े लिखे होते हैं, बॉम्ब बनाना आता है, इंजीनियर होते यार। सारे। तो भैया अभी बात करते हैं अपन, ठीक है, एनिमे फैंस के बारे में। तुमको क्या लगता है किस तरह के एनिमे टाइप, एनिमे फैंस होते हैं, कितने टाइप के? देख एक तो तेरे जैसे चूतिए होते हैं जो ना इधर के ना उधर के, मांगा भी देखते साले एनिमे भी, ठीक है। एक होते हैं फिक्शनल
ब्रीड जिसे कहते हैं, प्योर ब्रीड वीप जिसको कहते हैं, वो वीप होता है जो केवल एनिमे पे जीता है, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी के हैं जो केवल बायो बायो कह रहा हूँ भाई वही निकल रहा है, मांगा पे जीते हैं, तो ये इतने टाइप के हैं एनिमे। भाई कुछ कुछ एनिमे फैंस, मैं तेरे को बताता हूँ, कुछ टॉक्सिक फैंडम, पता है कोई एनिमे फैन टॉक्सिक नहीं होता, टॉक्सिक एनिमे ही होता है हमेशा। हाँ वो पूरी फैंडम जैसे बीटीएस की फैंडम वो लाइक जैसे एक था फुल एफएमए भी है ना, फुल मेटल अल्केमिस्ट, उसकी फैंडम बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक। लाइक वो जाके लिटरली एक टाइम आया था जब वो दूसरे एनिमे को रिपोर्ट मार रहे थे जाके, जो ये क्यों? इवेंचुअली लाइक उससे अच्छा था एफएमए भी से, इसलिए वो लिटरली वो रिपोर्ट मार रहे थे उस एनिमे को। तो ये हद तक है। और कुछ तुम्हारे वन पीस वाले भी हैं, हाँ अगर मैं बोल दूं कैसा डीबीसी वन पीस का बाप है, विच इज लाइक ट्रू, क्योंकि वो शोनन पहला था, हाँ उसको देख के फैक्ट्री बने हैं, वो बात फैक्ट है। तो ये देख के, ये सुन के जल जाती होगी, मेरी मार भी पड़ गई है क्लास में एक दो बार सत्यम वगैरह से, मुझे पीट दिया इन्होंने लिटरली पकड़ के ये वन पीस के बारे में बोला है तुमने, कह रहा भाई मैंने डीबीसी देख रखा है। भाई ये पता है, टाइप के फैन थे। वन पीस फैन ना पता है किस हद तक है। हाँ एक ये हुआ था, वोट योर फेवरेट कैरेक्टर नारुतो का, सारे वन पीस फैंस ने साकुरा डाल दिया, ट्रोलिंग ठीक भी आज हद पार ट्रोलिंग है भाई। एक बार अच्छा मैं तेरे को बता रहा, ये साकुरे वाला सीन ना, एक बार क्या हुआ, मैंने ऐसा इंस्टाग्राम पे क्यों मैंने किया था, पढ़ता रहता था पहले मैं, तो एक बंदे का सवाल आया कि भाई देर आर ओनली टू लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड, एक साकुरा एक सास्के, शादी करनी है तो मैं किससे करूंगी। आई एम लाइक सिंस मैंने नरूटो नहीं देखा, सिंस मैं स्ट्रेट हूँ, सिंस साकुरा एक लड़की है जैसी भी है, मैं सास कैसे करूंगा भाई। मैंने कहा था एक्चुअली वहां चलेगा मेरे को भाई। चलेगा मेरे को चलेगा भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। अभी यार मुझे लड़के रील भेजते हैं कॉपी पेस्ट, उसमें ट्रैश कैंस आ रहे हैं कॉपी पेस्ट, भगवान ने क्या किया साकुरा। भाई मतलब साकुरा बहुत हेटेड है यार, मुझे पता, मैंने देखा नहीं है। देखो देखो, बेसिकली वो कैरेक्टर है ही ऐसा, एज मैंने नारुतो एंड शिपुडेन दोनों देख रखा है भाई। जब भी लाइक दिक्कत होती थी ना, साकुरा या तो सास्के को बुलाती है या तो नारुतो को, लाइक वो टीम का हिस्सा है लेकिन सिर्फ इन दोनों लड़कों पे डिपेंडेंट है वो। इन द अदर ऑन द अदर हैंड जो हिनाटा है उन पे लड़के डिपेंडेंट है, क्योंकि उसका जो, है हाँ उसका जो बैटल आईक्यू है और उसके जो मूव्स हैं हिनाटा के, वो बहुत सही है। और भी चीजें बहुत सही है, मतलब खैर वो तो भाई सिंबलिज्म है कि सुप्रीमेसी क्या है। हाँ एग्जैक्टली भाई, बस फिर भी भाई सोनाडो नहीं भाई, जोरो सुप्रीम मेसी भाई, सोनाडो भाई क्या भाई, एक जोरो नंबर वन है वन हंड्रेड एंड टेन ये। देखो इस हराम कोर को नंबर दिया बोहन को 111, बिग मॉम टू थाउजेंड थर्टी फोर वो तो जायंट है भाई, उसका कैसे रख रहा है, तो हाँ क्या करेगा ये जान के तू। भाई पता नहीं सोशल साइंस के डेट याद नहीं रहते थे कि कौन सा एंग्लो वाला टावर कब हुआ है, ये इतना सही याद है ना। अरे यार नहीं, मुझे भी कभी भाई हिस्ट्री के ऐसा डेट्स नहीं आते, बहुत मुश्किल भी लगती है भाई हिस्ट्री हटा, मैंने मेरी बात करते हैं हिस्ट्री भाई, टीचर मतलब मैं बहुत एनिमे का मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली भी है मुझे, लाइक भाई मैं ना इसमें भी लाइक 1% सुप्रीमेसी पे हूं मैं। बो हैनकॉक मतलब बो हैनकॉक भाई, इतना जो जानकारी है उसके बारे में मुझे भाई, मतलब पता नहीं यार। देखो पहली बार में अच्छी बिल्कुल नहीं लगी थी, उसकी कैरेक्टर ऐसी है कि पहली बार में अनोइंग लगती है, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है।
भाई जैसे ही लाइक मेरे को उसका फिर जब अच्छा अच्छा लगा तो मैं इतना रिपीटेडली देखने लगा ना उसके एपिसोड, उसका क्या अच्छा लगा? वो अच्छी लगी बस हाँ तो भाई। उसका अच्छा अच्छा लगा क्या इंसान हो तुम्हें? यार, मैं अच्छा इंसान हो यार मैं। अच्छा इंसान पता है मेरे को। खैर थोड़ा फिजिक्स की वजह से ग्रेविटी ने ऊपर नीचे कर दिया वो बात अलग है, बट अच्छा इंसान हूँ मैं। अच्छा मुझे पता है एनिमे में भी फिजिक्स होती होती है। है भाई एनिमे क्यों नहीं बोलेगा। फिजिक्स जो है बस दो तीन जगह एग्जिस्ट करती है, एक माइनक्राफ्ट, एक वो टॉम एंड जेरी, वो साला जब तक नीचे नहीं देखता वो काम ही नहीं करती है हाँ हाँ घर वो के भी है, और तीसरा इंडियन अंदर। सीरियल। ये हाँ कहां से तेरे को कौन इंडियन सा टीवी सीरियल सीरियल देखी भाई बहुत सारे भाई। भाई वो रील नहीं मैंने? देखी थी, दो इंसान पतंग पे उड़ रहे हैं, हाँ भाई लड़की पतंग पे बैठ के गई है उसके आशिक को बचाने। भाई मैंने मैक्सिमम क्या देख रखा है, जब मैं बहुत छोटा था मेरी मम्मी देखती थी ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। तो भाई उस टाइम पे फैमिली वगैरह होती थी देखने में, क्योंकि मैं छोटा था तो फैमिली देखने में अच्छा लगता था, जब मतलब छोटे बच्चों का माहौल है वो सब बढ़िया। वो मेरा आखिरी सीरियल था ड्रामा मेरे जीवन का, पहला और आखिरी मेरा आखिरी सीरियल कभी हो ही नहीं सकता। अनुपमा। नहीं 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 अनुपमा हिंदी तो देखते ही नहीं अपन ना, तो फुल डिफरेंट। ओके जैसे ही खाना खाने के लिए बैठ, हमारे यहाँ ना एक सिस्टम है, अगर पूरी फैमिली बैठ के नहीं हाँ खा रही है तो नहीं खाना है। अच्छा हाँ लाइक हॉल में बैठना है, सबके साथ खाना है, टीवी चला। तो ओ जब मैं खाने के लिए बैठता हूँ तो सीरियल चलता ही है, कुछ भी कह लो भाई। आईपीएल छोड़ सकते हैं, सीरियल नहीं छोड़ रहे लोग। कौन देखते हो आंटी? हाँ मम्मी और दादी दोनों और फिर भाई। वो मतलब वो पप्पा जब भी, कितने नहीं पप्पा जब भी सुपीरियर बोलते हैं कि मैच है लगा, दो डेथ स्टेयर देती है मेरी माँ पप्पा को भाई। ऐसे मतलब भाई ऐसे कुकर पे हाथ रखा होता है, ऐसे घूमते हैं, ऐसे मर्डर ही कर देते हैं, अभी कुकर उठा के फेंक देंगे, ऐसे ऐसे डेथ स्टेयर देते हैं ऐसे। पप्पा भाई इसलिए कहा अच्छा ठीक है देख लो। ठीक है वो ठीक है, पीछे खौफ होता है भाई कहीं कुकर का ऐसा ढक्कन उठा के। भाई मतलब पता है, अगर मैंने ना पिछले रात को कुछ किरिक कर दिया, मोम को गुस्सा दिला दिया रात को सोने से पहले, पता है अगले दिन करेले की सब्जी बनती है घर पे भाई। लेकिन भाई तुमको नहीं पता हमारी माँ कैसे बनाती है भाई, आज डायरेक्ट खिला देती है भाई, जूसी होता है वो। पता है मेरे को। हाँ इट लेजिट फील्स कि करेला खा रहा हूं मैं, मेरे को लगता ही नहीं है कि हाँ भाई इसमें लाइक मसाला है, लाइक नमक डाला है, नहीं लगता, वो लगता ही नहीं है। भाई क्या कर रही है आंटी भाई? ठीक है ऐसा करेला खाने का पता नहीं क्यों ऐसा सुपर सेन जैसा फील होता है, एनर्जाइज की। हाँ भाई सब कुछ खराब थी, टेस्ट पे खराब थी पता, न्यूट्रिशियस तो है ऐसा सुपर सेन फील आता है कि मैं भाई ये तो है भाई। भाई सुन रहे हो, मतलब सुपरमैन वाली फील तो आनी नहीं चाहिए, बताए क्यों? क्यों ऐसा करेला और क्रिप्टोनाइट राइम करता है भाई, पता अरे पता है क्रिप्टॉन गैस होती है, है भाई? भाई मुझे तुम मुझे करेला बोल रहे हो, को बाप मिला केमिस्ट्री लेक्चरर है मेरा। सही बात है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैंने मैंने हाँ पीरियोडिक टेबल ना 11वीं पढ़ी ना 12वीं में, और भाई बहुत शर्म की बात है मैं हंस के बोल तो रहा हूँ। लेकिन अब मैंने कल देखा ऐसे ही टेबल झांक रहा था, उसमें सियाल देखा था, मैंने क्रिप्टॉन भाई क्रिप्टोन के आर होता है, नोबल गैस में फोर्थ होता है, कहाँ हो यार तुम? अबे सीआर नहीं होता क्या? अच्छा वो वो क्रोमियम होता है। क्रोमियम भाई, हाँ ठीक है ना क्रिप्टॉन पीआर होता है, और शायद सुपरमैन में वो सी से स्टार्ट होता है नहीं? हाँ हाँ ये अंतर है ठीक है मेरे को, ये सब भी बता दे रहे हो। भाई पता होना जरूरी है। हाँ हाँ वरना बाप डांट फिर एग्जैक्टली भाई, पापा का केमिस्ट्री टीचर होना कितना कूल हो सकता है। वो भाई बहुत गंदी मुझे चीज है, बिल्कुल मत विश करो, ये बहुत गंदी चीज है। भाई भाई मेरा बाप तू सुन ले, मेरा बाप मैथ्स मैथ्स पढ़ा
तू खुद इमेजिन कर, एक बंदा जिसका भाई, हालांकि पापा मेरे फार्मासिस्ट ही है, बायो लाइन पे ही है, उन्होंने बीएससी मैथ से कर रखी है, उनकी मैथ बहुत स्ट्रांग है। तू सोच, एक बिलो एवरेज मैथ वाला लौंडा जिसके पापा को मैथ एकदम हाई लेवल का आता है, उसका क्या हाल रहा होगा 10वीं क्लास तक, जब वो जस्ट पास हुआ है मैथ में हर बार। धृति, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यस इट इज ऑल्सो हिटिंग फॉर यू भाई। धृति की माँ मैथ टीचर, मेरी बुआ। भाई इतनी लड़कियां हैं भाई के जीवन में, भाई तुम बंद करो यार। नाम ही भूल जाते हैं यार, अंबर यार तो पता नहीं भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता भाई, चार चार तो ऐसे बाहें भाई फरोख नहीं यार, नहीं ये डालना भाई, बाहें फैलाने वाला डालना, कुछ एग्जैक्ट मैंने बताया नहीं है, भाई चार लड़कियां तो ऐसे मैं बाहें नहीं, फैलाए कुछ। मैं वही कर दूंगा भाई। मैं ऐसे शाहरुख खान की तरह बाहर फैलाऊंगा, फिर वो मतलब वो जोजो वाला द वर्ल्ड कर दूंगा, ऐसे पीछे चला जाऊंगा हट। भाई हैरी पॉटर का भी क्या मसला है ना भाई। पता है मेरे को, तुम एनिमे वर्ल्ड में नहीं भेजो मुझे भाई, इससे काहे नहीं होना है, ठीक है, मुझे नहीं जाना है किसी वर्ल्ड में जहां मैं सबसे ज्यादा पावरफुल, मुझे नहीं बनना है, मुझे हॉगवर्ट्स भेज दो यार, सही में यार मुझे हॉगवर्ट्स जाना है, तेरी कसम भाई, भाई, भाई कोई क्या ही लड़की सही, ऐसे मतलब भाई नहीं करती क्या ही सही लाइफ है, मतलब विंगार्डियम, ओ शिट, विंगार्डियम लेवियोसा। अरे भाई भाई कौन से तुम, मतलब तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट होके जहाँ पे जा रहे हो ना, एवरेज स्टूडेंट, लाइफ हाँ सेट सही है भाई, टेंशन, में भाई, खाना देखा उनका भाई, एग्जैक्टली रोज रात को केक्स खा रहे हो लोग, भाई हॉगवर्ट्स बेस्ट है भाई। मेरे को हमेशा लगता था यार हॉगवर्ट्स बचपन में कि भाई कभी ना कभी एक ऐसा जगह जाऊंगा जो हॉगवर्ट्स की तरह होगा। ना एचबी वालों ने पता नहीं, मतलब ऐसा नेवर एंडिंग फैंटेसी बना दिए, बस पता सही नहीं में कैसे भाई, बना के छोड़ दिया एचबी वालों ने, मास्टरपीस है भाई, हैरी पॉटर से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, मूवी सीरीज भाई में तुम किसी मेरे को मतलब कोई ना लाइक भाई सीन ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट तुम मेरे को ना दो ऑप्शन दो, या तो तुझे वन पीस वर्ल्ड में जाना है, या तो हैरी, मैं हैरी पॉटर में जा रहा हूँ नहीं। हैरी पॉटर भाई। वन पीस वर्ल्ड में बहुत अनसर्टेनिटी है भाई, क्या कब क्या पता किसके नीचे से क्या निकल जाए। सी मॉन्स्टर की बात हो रही है भाई, हाँ ठीक मतलब है, एटलीस्ट हॉगवर्ड्स में सेफ तो हूं मैं आई प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड, आई प्रिटेंड आई अंडरस्टैंड तेरी भाई। इंग्लिश वाली बात, ये नारुतो की लाइन है भाई, चुनिन एग्जाम के टाइम। भाई ये कैसे याद आ रहा है सब मेरे को भाई, केमिस्ट्री क्यों नहीं याद रहता। भाई सही में यार हॉगवर्ट्स जैसी जगह अगर सही में एग्जिस्ट करती, मैं आज मरा के जाता हूँ, जाता है जरूर भाई, एक्चुअली में हॉगवर्ट्स एग्जिस्ट करती है, लाइक नॉट मैजिक स्कूल एंड ऑल, बट वो बिल्डिंग हाँ एग्जिस्ट करती है। वो बिल्डिंग ऐसा रिक्रिएट की गई है कि वो कैसा थीम पार्क थे, थीम पार्क की तरह हैरी पॉटर वर्ल्ड भाई उधर भी चलेंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। चलेंगे ना, बिल्कुल चलेंगे, उसमें क्या है भाई, देखो पैसा होगा, स्पॉन्सर तो हम कर रहे हैं, वैसे भी तो चलेंगे, क्या दिक्कत हाँ, कितना सही, मेरे पे सब डाल दो भाई, साउथ इंडियन देखते ही पैसे उनका उसी को दे देते हैं। साउथ इंडियन देखते हैं, हम लोग इडली सांभर का उसको दे रहे हैं, पता नहीं है। नहीं, मतलब यार हम इंसान नहीं है ना भाई, हमारे खून में सांबर इडली। भाई डालना चाहिए एक्चुअली, ये तो डालना चाहिए तुम्हें, जैसे अपना अपना मीम रिव्यू बहुत अच्छा, गाइस किसी ने वो मीम रिव्यू नहीं देखा है तो मेरे चैनल भाई लिंक डाल दियो नीचे, हाँ एक्चुअली वो डिस्क्रिप्शन भाई, देखने पहला लिंक वही रहे, पहला लिंक वही रहेगा, मीम रिव्यू वाला वीडियो। इंस्टाग्राम वो सब बाद में लायक, डाल दूंगा मैं, पहला लिंक एक्चुअली मेरी मीम अभी तक रिव्यू। क्यों सबसे सही वीडियो है वो, मेरी अभी तक की सबसे सही वीडियो है, मुझे नहीं पता क्यों। मैं हूं उसमें इसीलिए। हाँ तू और भी वीडियोस में लो, हाँ बट स्टिल मीम रिव्यू में बहुत सही कंटेंट है मेरा। नहीं लिटरली बहुत सही भैया, मोब ना भाई, एक तो द बॉयज वाला मैं वो मीम डालना भूल गया भाई, हम लोग भाई वो मैं स्पॉइल नहीं कर रहा, लास्ट के 4 मिनट ध्यान से देखना, बस 10-12 मिनट का ही आई गेस, वो लास्ट के 4 मिनट ध्यान से देखना बस, वो लगता है कि हाँ भाई हाई लेवल है भाई, हाँ भाई है कदम से भाई, वो बहुत सही चीज है, वो देखना चाहिए तुम लोगों को, पूरी तरह डार्क एंड हो गया था मैं तो। उसके ऊपर वाला पॉडकास्ट ना ही देखो तो अच्छा है, कि स्टेटमेंट्स गलत साबित हो गई है कुछ हमारी खुद की लाइफ में ही, तो हमको सब पता है भाई, जो लगी है ना, ये हुआ है भाई, इसलिए कहते हैं भाई सुनो। हाँ उनो रिवर्स हुआ है भाई।
उनो रिवर्स हुआ मेरे साथ कसम से। इसलिए कहते हैं भाई सुनो सबकी, करो खुद की, सुन तो लो जाके तुम, इतनी आसानी से जीवन में ढालनी नहीं होती हर बात, कि मैंने ढालनी मेरे लग गए। बोल 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 दे, बोल ही दे। जो रिवर्स हो गया जीवन का उनो, मुंह से बस निकला उनो, ओ भाई क्या आ रहा इसको है आराम से, इसको बस डाइजेस्ट करने के लिए कम पड़ गया इनो। हाय 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 हाय, वर्ड प्ले। ओ क्या बात है भाई, वर्ड प्ले भाई, शॉकर भाई, वर्ड प्ले क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। भाई ट्राई करना पड़ेगा भाई, कुछ ना हुआ तो एटलीस्ट ये स्टैंड अप तो कर लूं मैं। ठीक अरे तेरे से तू इंजीनियर बनेगा, उसके बाद स्टैंड अप करेगा, क्यों नजर डाल रहे हो अच्छी खासी मेरी लाइफ बात में। मान। अरे देख तूने देखा नहीं है, जितने लोगों ने पसीने लॉ कर रखा है, ठीक है, हर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था, आशीष इंजीनियर है, ट्रेगड इंसान इंजीनियर है, कल ट्रेगड इंसान को हटा दे छोटा बच्चा, तो कैरी अकेला है, हाँ जिसका कोई बैकअप होता है बारहवीं उसके लिए फेल भाई है। हटाओ, हाँ हटाओ मैं, जो होगी देखी जाएगी, अब तो गेम खेलूंगा मैं। भाई ऐसे देखे जाए तो हाँ सुदीप भी इंजीनियर है, सुशांत सिंह राजपूत भी इंजीनियर था भाई। मतलब देख इंजीनियर की इमेज ना पहले इतनी खराब हो गई है ना, इंजीनियरिंग या तो भाई इंजीनियरिंग के बाद या तो अपन छोड़ के सब कर रहे हैं लोग, नहीं इंजीनियरिंग नहीं छोड़ के नहीं सब कर मतलब रहे हैं लोग। नहीं, या तो लाइक जो भी फेल्ड इंजीनियर होते हैं लाइफ के, ठीक है, या तो वो ऐसे मतलब पब्लिक एंटरटेनमेंट के फील्ड में आ जाते हैं या फिर पब्लिक ब्लास्ट के। भाई ले आ रहा है वो साले रेफरेंसेस उठा उठा के, मुझे लोगों को समझ में भी नहीं आया, लोगों को समझ में भी नहीं आया। ठीक है भाई, कहां से कहां से ले आ रहा है रेफरेंसेस उठा के भाई, ठीक है। और अगर किसी को लग रहा है मैं किचन में क्यों बैठा हूँ, तो वो एक ऐसा नॉर्मल सी अलमारी है मेरे रूम में, वो किचन नहीं है। खैर ये तो किचन से ही आया है कोई पोहा। तू साले 1 घंटे से पोहा खा रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी तक, पानी पिया था। मैं भी आया पानी लेके, 1 सेकेंड। अबे सही भाई भाई टाइम पे क्या आया ही तुम, सिंक है भाई, हाँ टाइमिंग टाइमिंग देखा था तूने, लेजिट अबे क्या ही सिंक है ये। एग्जैक्टली टाइमिंग देखा तूने, टाइमिंग की ब्रो लेजिट सी डाली है ये डाल रहा हूँ भाई, पॉडकास्ट सही जाएगा भाई। लेजिट भाई। गंगा जल लाओ और गंगा हमारे यहाँ बहती है, ठीक है, तुम्हारे साइड नहीं बहती, शायद बहती हाँ है, नहीं गंगा कहाँ बहती है, कोई यूपी से बहती है गंगा, हमारे यहाँ कावेरी है। ओ कावेरी, गंगा हाँ वेस्ट भाई, गंगा सही है भाई, बहुत बढ़िया। लाइक कृष्णा रहता ना हरिद्वार, भाई नाम सुना होगा, बेस्ट जगह भाई, बेस्ट जगह हरिद्वार, आना चाहिए तुम्हें हरिद्वार, भाई यूके। ड्रीम डेस्टिनेशन है यार मेरा, एक तो वृंदावन, दूसरा हरिद्वार, तीसरा केदारनाथ। मथुरा नहीं आना, वृंदावन के साथ वहां साथ पे भी सिर्फ जाएंगे। प्रेम, टू बी हाँ टू बी ऑनेस्ट, वहां पे सिर्फ मतलब प्रेम मंदिर है, और उसके अलावा कुछ ऐसा खास अट्रैक्शन, मैं तो रहता हूँ मतलब वहीं आसपास, तो मुझे पता है इतना कुछ है नहीं प्रेम मंदिर, लेकिन वृंदावन, अयोध्या भाई, अयोध्या जाना है, अयोध्या भाई साहब, अयोध्या तो जाना ही है राम मंदिर बनेगा वहां पर, वही चिल्लाएंगे जय जय श्री राम। लेजिट भाई। वे तुमने देखा ना मेरा वो वीडियो देखा था ना मेरा। हाँ देखा ना भाई, आप तो हनुमान जी घर, अरे किसी को पता नहीं ना, तो भाई शौकर अभी घूमता है हनुमान जी के घर पे निकल, और लेजिट रहते थे टाइम, बर्थ प्लेस भाई। हाँ मतलब हनुमान जी खेले हैं वहां पे,
बैठा है, नहाओ नहाए, वहां हाँ मतलब भी गया है पानी में जब अभी क्रोकोडाइल है तो नहीं छोड़ा, वरना एक्चुअली छोड़ते थे। भाई वो नहाते होंगे क्रोकोडाइल के साथ ऐसा फेंक फेंक कुछ तो। खैर वो टाइम पे तो जंगल ही था, वो तो अभी डेवलप हुआ है। अच्छा हाँ तब तो जंग भाई ये भी मिला है, रुक जाओ ये इधर भी जाके आया हूँ, वो स्टोरी है ना शबरी वाली। हाँ हाँ शबरी शबरी, हाँ के हाँ जहाँ पर रहते श्री राम को ऐसे बिठा के ऐसा खिला रही थी ना शबरी, वो बेर, वो जगह जाके आए, वो मंदिर जाके आए। खैर बुरी बात तो नहीं बोल सकता, बट हाँ एक डिसएडवांटेज ये है कि फोटो अलाउ नहीं करते मंदिर के अंदर। है बट मंदिर के बाहर तो एटलीस्ट खींच सकते हैं फोटो, मंदिर के अंदर क्यों नहीं अलाउ होता ऐसा कह रहा है पता नहीं यार। मंदिर ही था भाई तुम तो चुरा। हाँ भाई चुरा लेकिन तुम लोग तो अच्छे मतलब साउथ इंडिया में साउथ इंडिया वाले कहाँ चोरी करते हाँ हैं। वो भी चोरी है। चकारी यहाँ जाता है, चोरी चकारी यहाँ जाता है। हाँ भाई भाई मतलब मैं कसम खा कह रहा हूँ यूपी वाला आदमी बेच के खा जाए, हम लोग ऐसे होते हैं। हाँ कदम चलता आदमी बेच सकता मजाक वाह भाई, ऐसा जैसे कोई चल रहा है एकदम, दो लौंडे जो बहुत मतलब हरामी लोग होते हैं चलाए हैं कुछ ऐसी लोग, एक एक आदमी चल रहा है जो गुंडे टाइप के लौंडे हैं, ये वो आदमी है उसको उड़ा देगा मैं तेरे को 5,000 देगा, ऐसा ठोक दे उसको बाइक से मैं तेरे को होता है ऐसा होता है चलता भाई मैं होता आदमी तो जो, को नहीं मैं होता तो जो 500 दे रहा होता, 5,000 दे रहा होता उसको ठोक देता, 10,000 मिल जाते। एग्जैक्टली ज्यादा ही मिलते भाई। पर हाँ एक एक चीज भाई ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, एक चीज मैं तुम लोग बताना चाहूंगा कि जो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहते हैं अपने यहाँ दैट इज 100% ट्रू भाई। तीन ट्रू ट्रू, फैक्ट फैक्ट। तीन कोई भी चीजें नहीं चलती भाई, तुम इंसान ले लो मतलब लिटरली कुछ भी ले लो तीन नहीं चलता भाई, तीन का नहीं चल सकता कुछ भी करके। एक चांस है चलने का अगर तुम तीनों लौंडे हो तब हाँ भी नहीं चलते, कभी कभी तब भी नहीं चलते, मैंने हाँ देखा है बहुत देखा है ठीक है मैंने अपने देख लिए। तीन बस तीन कुछ ही नहीं होता भाई, देखो हर चीज या तो एक है या दो है, तुम्हारे पास नाक जरा एक है आंखें दो है तुम सिमिट्री में हो, बट तीन नहीं चलता यार, हम्म, तीसरे में कहा जाना कभी बीच में कैसे भी। मैं जूझा हूँ भाई अभी लिटरली मौत को पता है कितना जुड़ जाऊँ, सिंपली ये लाइफ है कि तीन नहीं है बस, कुछ भी कर लो ट्रायंगल पे बैठोगे गांड बटवा बैठोगे, सिंपली ट्रू ट्रू। बैठना है तो तुम या तो अकेले बैठो या स्क्वायर पे बैठो या दो जैसा भी तुम जो समझ पा रहे हो समझो, पर तीन नहीं प्लीज तीन नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात जो भी देख रहा है मेरे को। भाई सुनो, मेरे को ना लगता है कि दुनिया में ना दो टाइप के एनिमे फैन होते हैं, लाइक सिर्फ दो ही होते हैं, मांगा वो सब भी एक ही में अगर इंक्लूड कर लो तो। भाई एक जो एक्चुअली में एनिमे देखने के लिए देखते हैं, दूसरे जो एक्चुअली जो पीयर प्रेशर में आके देखते हैं कि भाई आसपास वाले बात सब कर रहे हैं तो देख रहे मुझे हैं भी भाई करना है। कुछ तो, कि कुछ तो फेमस चीज है यार कुछ ऐसा हाँ चलता है जो ट्रेंडिंग है चलो अपन ट्राई करते हैं, देखा एक मेरा दोस्त, मैंने तो एक मेरा देखा। दोस्त है कॉलेज वाला, वो ऐसा लाइक पीयर प्रेशर वाला एनिमे वॉचर है। लाइक उसको क्या हुआ था कि जो सोनी ए वालों ने डब किया था नारुतो हिंदी में, तो उसने वो देख लिया, फिर उसने एक दो नारुतो के रील लाइक कर दिए हिंदी डब अच्छा वाले, तो उसको सारे रील आने लगे एंड वो सब मेरे को भेज रहा है इन एक्सपेक्टेशन की हाँ भाई मैंने ऑब्वियसली देख रखा है इस, उसको पता है कि मैंने एनिमे देख रखा है एंड नारुतो तो देख रखा है। भाई मेरे को शिपुडन की रीले भेज रहा है, मादार आउचिया के एडिट भेज रहा ठीक है भाई है। मतलब नहीं, सब अपना मैंने पूछा उससे कि भाई तू बता मादार और हाशिरा में क्या रिलेशन है, हाँ तो वो बोलते हैं भाई ये दोनों भाई भाई है। ठीक नहीं इतना 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 चूतिया इंसान कैसे हो सकता है भाई, हाशिरामा और मादरा भाई है। हाँ भाई भाई ना, इसने नरोटो रील में देख रखा है, इसने नरोटो रील में देख रखा है हाँ तो भाई। ये भी दूर की बात नहीं है भाई,
देखिए इसको बस इतना पता है कि सास्के एक उचिहा है, एंड इसको लगता है कि जैसे पोकेमोन में ऐश और गैरी थे, हाँ हाँ कि ऐश का एक सपना था कि हाँ भाई कभी ना कभी तो गैरी को हराना है, हाँ हाँ तो जो वो सपना था इसको लगता है कि नारुतो को भी वैसे ही सपना है कि कभी ना कभी सास्के को हराना है। ठीक है सुनो सुनो, एंड भाई ने ग्रील देख लिया, टोबी रामा हेट्स उचिहा। ठीक ठीक है तो मैंने पूछा कि भाई नारुतो के अंदर जो एनिमल होती है उसका नाम क्या है, भाई बोल रहा टोबिरामा। ठीक इसको एक काम कर, थोड़ा उसको ज्ञान दे, जाके थोड़ा नॉलेज दे कि हाँ भैया बोलने से पहले सोच लिया करे, किस दिन एनिमे फैन के बीच में मार खा जाएगा ये। साकुरा को अच्छा बता दे, साकुरा को अच्छा बता देगा जाके, साकुरा को अच्छा बताएगा फिर तो बहुत पिटेंगे। भाई अगर दो एनिमे फैंस के बीच में जाके बात करने लगा एंड ये बंदा सडनली घुस गया और बोला भाई नारुतो की बीवी साकुरा है ना, भाई कसम से मार देंगे इसे। ठीक मैं बता रहा हूँ तुम एक बार को बोल दो, नारुतो चूतिया कैरेक्टर है, लोग कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे तुम्हारा ओपिनियन है। खैर भाई तुम्हें नहीं अच्छा लगा, तुम्हें नहीं अच्छा लगा, अगर बोल दिया साकुरा अच्छी है, खत्म भाई, ओपिनियन योर नहीं डेड, देंगे, यू आर डेड। ओपिनियन नहीं देखा जाता भाई साकुरा पे। साकुरा ट्रैश है तो है बस बकवास है तो है सिंपली भाई। खत्म भाई। एक तो मतलब मैंने ना लाइक पीयर प्रेशर में तो आके नहीं कह सकते, बट मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये एनिमे तो देखना चाहिए। इट दैट वाज जोजो। ठीक है मेरे को वन पीस, मैं वन पीस ऐसे शुरू किया था कि मैं चैलेंज कर रहा था खुद को कि भाई देखता हूँ मेरे में गुदा है क्या 1000 देखने का। हाँ क्योंकि सब सब मैंने मतलब इंटरनेट पे रील्स पे जो भी मतलब जो अपने जीसी के लॉन्डे हैं उन सबसे पूछ लिया था। मैंने बोला लॉन्गेस्ट कौन सा, यही एनिमे सजेस्ट कर रहे कि हाँ वन पीस ही लॉन्गेस्ट है। तो बोला देखते हैं, इसके सीजन भी नहीं है ऊपर से, अच्छा ट्रेड कंटिन्यू एपिसोड है, लाइक डीमन स्लेयर के भी मतलब सीजन है, अटैक ऑन टाइटन भी लंबा है बट सीजन है, नारुतो भी लंबा है बट सीजन है, दो सीजन है उसके, वन पीस के सीजन नहीं है। तो मैंने वन पीस ऐसे भाई जोजोस बिजार एडवेंचर भाई मैंने ऐसे देखा कि भाई ये मीम समझ में आ जाए मुझे बस, एंड अब तो मीम इतना कौन ऑब्सेस हो बैठा हूं मैं इससे। एक पूरा दिन यार यार करता रहता है आराम से, मेरे सामने गुस्सा आता है। इसे पहले ऋषभ का यही फेस चल रहा था, यार यार ऐसे बोलने का भाई, क्या इतना यार इन्फ्लुएंस नहीं होता किसी यार ऐसे। उस हिसाब से मुझे तो पूरे दिन मुचिया में तो बोलना चाहिए। गलत बोल दिया भाई, कुछ नहीं, नेवर माइंड, कट कट कर देना। जोजो से इतना ऑब्सेस्ड मत हो गया हूं मैं। नहीं मेरे साथ हुआ था, लाइक मैंने मतलब मैं जब वही हनुमान जी के बर्थ प्लेस गया था, मैं उधर जाके वो द वर्ल्ड वाला पोज कर रहा था, मैं दिखाई देता हूँ तुम सबको वो क्या होता है। हाँ दिखाओ, दिखाई देते हैं, जनता हाँ जनता जनता भी देखना देख चाहती है, अर्नब गोस्वामी उनपे एक चाहे नाम वाला सलमान खान बन जाता है तो ये। ये होता है। एक सेकंड दिखाई देता हूँ, फिर से कर दो वो हेयर स्टाइल क्या नहीं भाई, वो सही है, यही सही है। यार कोई ना मैं वो पोज कर देता हूँ, शायद इधर दिख जाओ मैं। तो हाँ गिर गया ओकर भाई, भाई का पैर एकदम से भाई लग रहा था भाई, गिर मत चाहिए भाई, लंबा ये था मंदिर ला में, मंदिर में ये सब कर रहा हूँ बट स्टिल ये क्या ही करे। नहीं मैंने ये किया था, ये पोज किया भाई, ये तो बहुत मुश्किल है सर। भाई फिर से भाई ट्राई मारते हैं ये लोग। भगवान भाई दीवार पे लगने वाला था मैं हाँ भाई जी छत पे भी लग रहा था भाई, ऑब्वियसली पैंट सर पे लगा मुझे, शिट हालांकि पैंट बंद अच्छा है, लकी हूं मैं कि कुछ नहीं। मुझे चलते हुए तेरी ना माँ, ना ना आधी मुंडी उड़ गई है किसी भाई की भाई। जैसे ही बेड चढ़ा इधर लग गया ऊपर। तू भाई कभी धोखे चढ़ मत जाइयो। अरे भाई तेरे को तो घर में बहुत यूज किया जाता होगा, बहुत ज्यादा भाई बहुत ज्यादा अपनी पर एक ऐसा टेम्परेरी जिंदा चलती फिरती भाई सीढ़ी अपने पास, क्या क्या ही कर सकते हो तुम। क्या ही करे भाई, अब किचन पे जो भी ऊपर सामान रखा होता है
मम्मी बोलती है निकाल, सही मैं बोलता हूँ मैं ही क्यों, बात चीले सबसे लंबा तू क्यों हो गया फिर। बोलते तुम्हारे जेनेटिक्स ऐसे, मैंने कहा था मेरे को लंबा होता है। नहीं लंबा हो तो भाई सही है वैसे, बाय द वे। भाई हम 5-6 वालों से तुम क्यों ही बात करोगे। अच्छा 5 6 यार बहुत छोटा हूँ भाई मैं तेरे से आगे। मैं, कभी तो देखते हैं कि भाई एक्चुअली में बाजू कैसे लगते हैं अपन। मैं राक्षस लगूंगा यार तुम्हारे बाजू में। यही तो कह रहा हूँ साले, टाइटन लगेगा तू। हाँ भाई इंजीनियर लोग मुझे भाई, तू स्पॉन्सरशिप दे रहा है, हम लोग का कुछ नहीं, तो तेरा कुछ ना कुछ होना है जीवन, तू स्पॉन्सर कर रहा है सारा काम। यारे यारे बस में जाएंगे ना अगर तो ड्राइव बीच भी करेगा, पता है मैंने और ऋषभ ने क्या सोचा है, एक दस बस इन्वेंट करेंगे भाई जापान जाने के लिए ना, ऐसा जो पानी में चल सकती है। भाई बॉर्डर वाले पकड़ लिए जापान के बॉर्डर, ये नेवी वालों ने तो क्या करेंगे। ऊपर ना एक काम करेंगे, वीजा का प्रिंट आउट ऐसा छाप देंगे ऊपर कि भाई साहब हम टूरिस्ट हैं, भाई 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 अगर चेकिंग। अगर 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 नहीं, अगर स्काउट स्काउट रेजिमेंट ने पकड़ लिया तो स्काउट रेजिमेंट क्यों पकड़ेगा क्या यार, देख ऐसा है अगर कुछ हुआ। ऐसा नहीं, नहीं ऐसे बस तो बड़ा छाप देंगे, वीजा वीजा छापेंगे ऊपर, फिर नीचे शिंजो सासा गए वो छाप देंगे, पक्का ले लेंगे कुछ अंदर। नहीं, कोई चाचा क्यों नहीं, मोदी का फोटो छापना है बस भाई सैल्यूट मारे के, अरे मोदी साहब पता चला इनके देश में बुलडोजर चलवा दिया हमने, जेसीबी जेसीबी की खुदाई चल रही है जापान में। भाई। कि भाई एनिमे से एक, मतलब एक स्पेसिफिक कोई एनिमे पकड़ लो तो उससे क्या अपने लाइफ में इन्वॉल्व किया है तुमने, एक एस्पेक्ट, स्पेसिफिक पकड़ू नहीं कोई भी देख एनिमे, एनिमे, कोई एक एनिमे से लाइक सम रैंडम एनिमे से, हाँ ये लिया है मैंने ऐसे। मैंने जो है देख पहला इन्फ्लुएंस तो मेरा दोस्ती को लेकर था, तू जानता है किसके साथ होगा, मतलब किस एनिमे से होगा जानता है। डिमन स्लेयर और हाँ भाई आज उसी इंसान का बर्थडे ऐश, है, आज ऐश का बर्थडे है भाई, हम लोग 22 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं बैठ के, देखिए आज ऐश का बर्थडे भाई, सारे लिख देना चैट में कह रहा हूँ, स्क्रीन हाँ वाली आ जाओ, सारे लिख देना भाई कमेंट्स में भाई हैप्पी बर्थडे आज भाई उस इंसान से ना, अलग मैंने लेवल का सिंपलेस्ट लगाव में। है, टोटली हाँ डिफरेंट है। तुम किसी भी एनिमे कैरेक्टर को ले आओ, अगर पहला एनिमे जिससे कुछ सीखा है बचपन से लेकर आज तक, वो है तो पोकेमोन, सेल्फलेसनेस और केयर, पोकेमोन सेल्फलेसनेस और केयर सीखी है पोकेमोन से मैंने। ऐश लिटरली हर मूवी में मरने को तैयार था पहले ही हाँ मोमेंट पर, बिना ट्रू कुछ ट्रू सोचे ट्रू ना, ट्रू सिर्फ अपने पोकेमोन के लिए। ट्रू। सेल्फलेसनेस कहते हैं उसको मेरे अरे हिसाब मतलब से, किसी ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पिकाजू के लिए मरने को तैयार था, कोई भी के। हाँ एग्जैक्टली, अनकंडीशनल लव उसे नेसेसरी भी नहीं है मिलता कि भाई ये उसने पकड़ा हो पोकेमोन, जैसे आरकेएस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ में आरकेएस के लिए मरने को तैयार था, एग्जैक्टली जबकि आरकेएस को भाई पकड़ना क्या, उसके बारे में सोचना ही बड़ी बहुत बड़ी चीज है, गॉड को पकड़ने के भाई। कि तुम लाइक पोकेमोन से मैं मैक्सिमम चीज सीखा, उसके बाद जो मैंने ऐसा अंडररेटेड एनिमे देखे हैं कुछ वहां से, हाँ थोड़ा बहुत लव लाइफ का इफेक्ट पड़ा था, बट वो लव लाइफ भी चली गई, अब क्या करना भाई उसका। लेकिन हाँ मतलब मैक्सिमम आई हैव लर्न फ्रॉम एन एनिमे इज पोकेमोन, तो भाई वो उससे। मतलब मैंने लाइक क्या किया है कि एक एक एनिमे से एक एक चीजें सीखा है मैंने, लाइक अपने लाइफ में एक इनकॉर्पोरेट किया है। मेरा एक और है लाइक, अगर तुम कहना चाहो कि हाँ पोकेमोन के बाद अगर मैक्सिमम किसी, मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, सीखा तो बहुत है पर इम्पैक्ट नहीं आया आपके जीवन में, मतलब मैक्सिमम चीजों का मेरे में वेजिटा से बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आया है। ट्रू भाई ट्रू ट्रू, वेजिटा भाई वेजिटा मतलब जो है भाई उसकी स्पीचेस अगर तुम सुनोगे ना, तुम्हारा आज का दिन हो गया भाई, तुम्हारा आज का दिन जम के मेहनत कर लो, अगर वो सुबह सुन लो गई ट्रू उसको, लेकिन ट्रू लिटरली उसके वर्ड्स में इतनी पावर है ना भाई, ऊपर से हमने देखा उसको एनिमे में गांड फाड़ के मेहनत करते हुए ट्रू किस लेवल तक वो उतान गया है कि हाँ लिमिट्स को पुश करना उससे सीखा है मैंने, मैं कर सकता हूँ ग्राइंड जम के, मन की बात है, और मन लगाना भी मैंने किसी एनिमे से नहीं सीखा, मैं मन ही मन लगाना ही छोड़ दिया मैंने हर चीज में भाई, सब अरे तो बताया अरे थी।
यहाँ मेहनत कर सकते हो तुम, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत सीखो ऐश से तुम। और हाँ ऐश से तुम नॉन सिम्पिंग भी सीख सकते हो, सिंप नहीं है वो बंदा, वो हाँ ट्रू ट्रू भाई, नॉन सिंपिंग एक्चुअली तो भाई भाई लड़की भाई 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 ऐसे नहीं नहीं आते हैं। नॉन नॉन सिंपिंग तो लूफी भाई भाई, हाँ लूपी भी चलो कह सकते चलो क्या हो तुम, मतलब भाई, बंदा लेजिट 2 साल तक ओनली वुमेन आइलैंड पे था। हाँ अच्छा ऐसा भी कुछ हाँ था। लेजिट 2 साल तक ओनली वुमेन आइलैंड पे था। दैट मैन वाज ओनली फोकस्ड ऑन हिज ट्रेनिंग, नथिंग एल्स भाई मैं भाई। मतलब तो वन पीस यूनिवर्स में ब्यूटी की एम्प्रेस कंसिडर किए जाने वाली बोआ हैनकॉक लूफी से बोल रही है मैरी मी, लूफी इज लाइक गिव मी फकिंग फूड, बस तू खाना दे मैं गया, मैं चला वन ट्रेनिंग करने। पीस से तो मैं ये नहीं सीखा, मतलब वन पीस पहली बात तो हर किसी ने देख लिया, पोकेमोन हर किसी हाँ ने देख लिया ऐसे। ट्रू 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 और ट्रू वन पीस से तुम्हें ये सीखना चाहिए कि फूड ओवर एनीथिंग ट्रू ट्रू सही में भाई, फूड ओवर एनीथिंग, खाओ बैच मजे करो, भाई, मतलब यू है भगवान ने जिंदगी मतलब भाई इतना सही बॉडी बनाया, खाओ में भाई ना भाई, दिया है शरीर खाने को, मुंह मुंह दिया है खाने के लिए, खाओ ना। पर सबसे बड़े तुम्हें कंडीशंस दी है इतनी अच्छी कि तुम खा सकते हो जैन से, हाँ जो माना तुम्हारा। ट्रू। बाकी ऐसा मुझे लगता नहीं किसी एनिमे से मैंने कुछ बहुत खास सीखा, बट हाँ पोकेमोन और ड्रैगन बॉल भाई बहुत इंपैक्ट रहा मतलब है लाइफ मैंने पे। लाइक मैंने जो जो सीखा है सम एनिमे से, इट्स लाइक एक तो पोकेमोन कहा दोस्ती यारी, एक पोकेमोन से, एक ड्रैगन बॉल में वेजिटा से ये सीखा है कि मे बी यू आर नॉट एज ब्लेस्ड एज समवन एल्स इज इन देयर लाइफ, यू गॉट अ वर्क हार्ड टू गेन दैट ब्लेसिंग, नॉट जस्ट हैव दैट। ये लाइक ये नहीं है कि गोकू ट्रेनिंग नहीं करता है, गोकू भी करता है, बट वेजिटा उससे बहुत ज्यादा अलग लेवल पे ट्रेनिंग करता है। हाँ एंड जो मैंने लाइक डेथ नोट से सीखा है दैट इज भाई, तुम्हारे सामने वाले इंसान के अगर थॉट्स को तुम समझने लगोगे तो तुम उसको किसी भी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, बट पैनिक नहीं होना है, बस जो जो मिस्टेक लाइफ एक ने किया था एंड में पैनिक होके कि हाँ जल्दी 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 खत्म कर देना है मुझे, ये नहीं करना। अगर तुम बहुत शैतानी चीज कर रहे हो तो भी उसको टाइम दो। एक्सेप्शन है इस मामले का, अगर तुम किसी को बहुत ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो दिमाग को, तो हाँ जरा ये देखो वो लड़की नहीं होनी चाहिए, तुम नहीं भाई समझ पाओगे, तुम सही नहीं ट्रू, समझ पाओगे भाई। टेकिंग दिस इन अकाउंट डेथ नोट में सिर्फ एक ही लड़की है, वो भी मीसा, बाकी सारा खेल तो देख लॉन्डो के बीच चल रहा। ओ माय गॉड ले भाई तू, एनिमे वाले तक जानते हैं नारी को भगवान नहीं समझ पाए, तुम झूठा समझोगे, नारी सब पे भारी ऐसे ही नहीं बोलते, नारी तुम्हारे ट्रू दिमाग पे ही भारी हो जाएगी जीवन में। ट्रू आई ट्रू वो नारी सबसे भारी इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, नारी इसलिए भारी है क्योंकि वो नारी है, सिंपली यप उसको डेफिनेटली भगवान ने बनाया है, ऐसा है तुम नहीं समझ सकते उसको उस जेंडर होते हुए। कभी ट्रू भाई, कभी तो लड़के नहीं लड़की को समझ सकते भाई, हम क्या समझेंगे फैक्ट्स फैक्ट्स प्योर फैक्ट्स। भाई। ये तुझे पता है ये बातें दिल से आ रही है भाई साहब। इसीलिए तो इतना हिट कर रहे हैं भाई। अच्छा बाय द वे, अगर किसी को लग रहा है मेरा ब्रेकअप वगैरह हुआ है या फिर मेरे को मेरा कोई ऐसा कपल इंटरेस्ट है, लव इंटरेस्ट मेरे को छोड़ के भाग गया, नहीं लौड़ा बहुत बे कॉम्प्लिकेटेड केस है, नहीं छोड़ ही समझोगे, दो छोड़ ही नहीं दो, समझ, समझोगे ही नहीं तुम, छोड़ी दो, कोई नहीं समझ सकता उस लिटरली। चीज को, हाँ बट हाँ कोई लव इंटरेस्ट नहीं है मेरी लाइफ से, भाई बस खुद कुछ तुम किया। नहीं, खुद तुम ना समझ पाए, कोई और क्या ही समझ लेगा। एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात ये, मैं नहीं समझ पाया उस चीज को हो क्या रहा है, एग्जैक्टली लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ा, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है जीवन में। ठीक पता है, मतलब इसके है आगे भाई डेथ नोट के आगे अगर जाओ तो नारुतो से मैंने सीखा है कि भाई हाँ अगर लाइक भाई तू वीक है, तू लाइफ में वीक है, तो तुझे एक्चुअली तेरे सामने की दिक्कत को हटाने के लिए तुझे ट्रेनिंग वगैरह लाइक गोकू एंड लूफी की तरह ट्रेनिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है भाई, तू बोल के भी हटा सकता है चीजें। नारुतो से ये एग्जैक्टली सीखा है मैंने कि भाई
हर टाइम पे एनर्जी एंड ब्रूट स्ट्रेंथ वर्क ना करता है, लाइक कभी कभी बैठ के बात करने से सब ठीक हो जाता है। एग्जैक्टली। हाँ तो बड़ा डीप में वन गया है एनिमे पर, ड्रू भाई बहुत ज्यादा। तो बहुत डीप डीपली देखा। लाइक मैंने भी सिंपली काफी सारे एनिमे, छोड़ भाई कितने देख रखे हैं, कहाँ तक बताऊंगा भाई, सीखा तो बहुत कुछ है, बट हाँ एग्जैक्टली लाइफ में ढालने की बात है तो ऐश और वेजिटा बस ट्रू। और भाई अगर मैं मतलब वही। वन पीस से बोलूं कि मैंने क्या सीखा है तो लाइक ज्योग्राफी अच्छी करो, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ो, एक तो फूड ओवर एनीथिंग, डायरेक्शन एक तो फूड ओवर एनीथिंग, दूसरा वैल्यू ऑफ प्रॉमिसेस कि हाँ भाई आई प्रॉमिस, ऐ भी बोल के छोड़ ना देते हैं वो, कि प्रॉमिस का एक हाँ बहुत 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 तगड़ा इम्पैक्ट होता है प्रॉमिसेस का हमारे लाइफ में, नहीं जिसने प्रॉमिस किया उसके लाइफ में। भाई मैं तो बोल दूंगा ना, मैं कल जाके मैं अपने बाप से बोल दूंगा कि हाँ पापा मैं आई प्रॉमिस यू आई अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ व्हेन आई एम 18, मतलब जो सामने वाला बंदा है जो वो बैठ के मान गया कि हाँ यार ये तो प्रॉमिस किया इसने, मैं तो ऐसे बोल गया। एक चीज को हाँ भाई आई विल डू इट या बोलने से लाइक अगर हाँ मैं करूंगा, अगर ऐसे बोल दिया तुमने तो खैर ठीक है, अगर हाँ भाई आई प्रॉमिस ये पक्का होगा तो एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होने लगता है उस पर। एक्सपेक्टेशंस भाई, एक्सपेक्टेशन देख, तुझे पता नहीं, तुझे पता है कि एक्सपेक्टेशंस और प्रॉमिसेस का वैल्यू मेरे से अच्छे से कोई नहीं समझ रहा है फिलहाल में यहाँ पे। ट्रू समझ गया तू किस बात को, किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेशंस और प्रॉमिसेस हमेशा हजार बार सोच के ट्रू करने और रखने चाहिए सिंपली। और अगर तुम एक लड़की हो, जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है ना भाई, उन सबसे सिंपली मैं ये बोलूंगा कि यार प्रॉमिसेस ना थोड़ा सोच समझ के दिया करो। उम्मीद है तो तुमसे मतलब भाई रखते ही नहीं है हम ज्यादा, मैं थोड़ा लड़कों के साइड से बोल रहा हूँ जी, हम ट्रू तुमसे उम्मीदें तो रखते ही नहीं है कभी भी ज्यादा, हम तुमसे बस ये एक आशा, तुम एक स्मॉल एक छोटे पार्ट की अटोमिक उम्मीद कह लो कि शायद ये मेरा प्रॉमिस रख ले, या जो इसने कहा है वो रख लेगी, मेरा तो छोड़ ही दो। तो प्रोमिसेस की वैल्यू समझो, लड़की हो, लौंडे समझते हैं ऐसा मैं कह रहा हूँ भाई, हम लोग सुपीरियर हैं, लड़के सुपीरियर हैं, हम समझते हैं प्रोमिसेस का वैल्यू। तुम लोगों को बस हल्का सा मैनिपुलेशन लगता है, बहुत हल्का सा माइनर सा, या फिर छोटा सा इन्फ्लुएंस लगता है कुछ समझने के लिए, और हम वो समझ समझ के भी नहीं समझ पाते भाई। ट्रू हम पे तुम इन्फ्लुएंस डालो भाई, तुम हम पे तुम लिटरली भगवान खड़ा कर दो हमारे सामने, हम नहीं मानेंगे। इसलिए तुम लड़कियां शायद मैथ्स में अच्छी होती हो ज्यादा, तुम्हें लॉजिकल ज्यादा दिखता है, हमें थोड़ा थ्योरेटिकल इमोशनल साइड जाते हैं, हम हम इमोशनल साइड में जल्दी मतलब घुस जाते हैं कि हाँ यार जल्दी घूम जाते हैं, इसलिए कटता भी सबसे लड़कों का ये। कभी तुमने सुना कि कोई लौंडा काट के गया है? कभी ना, तुमने सुना? रेयर सिनेरियोस। बहुत भयंकर रेयर सिनेरियो, और काट गई, ये गई और काट शब्द कितना आपस में ऐसा मेलजोल करते हैं भाई, सिनोनिम लगते हैं। तो बस यार गर्ल्स, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि प्रॉमिसेस का वैल्यू समझो, तुम नहीं जानती हो तुम किसी के जीवन में क्या वैल्यू रख रही हो, ट्रू लाइक तुम हम लिटरली नहीं समझा भी जानती नहीं हो तुम सकते, किसी के लाइक जीवन में हम लड़कों का ये दिक्कत है कि हम समझा भी नहीं सकते कि यहाँ क्या क्या रख चल रही रहा है, हो, यहाँ हम नहीं दूसरों को उतरता समझा है। रहे। हाँ हम दूसरों को समझाते फिरते हैं भाई, देख ये मेरे लिए ये है, ये मेरे लिए वो है, तुमसे नहीं कह सकते हम आके, तुम्हें ट्रू समझना होता है। इतनी समझदार तुम हो, अगर तुम ट्रू हमारे हाँ साथ हो किसी भी रिलेशन में, मैं कह रहा हूँ तुम मेरी मुंह बोली बहन भी हो भाई, तुम्हें समझनी चाहिए अपने। लाइक भाई मतलब क्या है ना, बेसिकली ये चीज है कि हम अभी एक लौंडे को समझा सकता है कि उसके लाइफ में वो क्या इम्पैक्ट रखती है, और डायरेक्टली जाके नहीं बोल सकते कोई भी हो, क्योंकि हमको ना लाइक हम लौंडे क्या होता है कि हम एक दो वर्ड बोल देते हैं हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई इसके मुंह से ये शब्द निकला है मतलब बहुत बड़ी चीज एग्जैक्टली है। लाइक भाई मेरा एक दोस्त है विश्वा नाम का, लाइक उसको मेरे क्लास की एक लड़की पे क्रश है बेसिकली, ठीक है, तो वो ऐसे बोलते फिर रहा था कि भाई ट्रू लव है मेरा, ट्रू लव है मेरा, ठीक है। जब भी उसको पता चल गया कि हाँ यार मतलब इसके कुछ भी एफर्ट, मतलब उसने 4-5 फेक अकाउंट बनाए थे और
जैसे उसको पता चला कि उसने उसने ब्लॉक मार दिया, तो बेसिकली लड़की इंटरेस्टेड है ही नहीं बिल्कुल इस पे। तो जैसे ही भाई को पता चला ये इसको गाली देते फिर रहा है। ले तो भाई इतना ट्रू मैं, लव ये होता है क्या ट्रू लव? भाई। और एक बात और, एक बात और, तुम लोग जिस चीज को लव में डिफाइन कर रहे हो ना भाई, थोड़ा सोच समझ के बोला करो कि तुम लोग प्यार करते हो किसी से, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। मतलब माँ कसम, तुम किसी के लिए दुनिया का सारा काम धाम छोड़ के, अपना जो चल रहा है वो छोड़ के तुम क्या दूसरे स्टेट भाग के जाओगे? अगर जा सकते हो उसके घर में घुस के बोल सकते हो ना कि भाई साहब ऐसा है कि इसको ये दिक्कत है और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, तब उसको कह लेना कि प्यार करता हूँ। उससे पहले मत बोल देना कि सिर्फ तुम बैठ के दूर से बातें कर रहे हो और बातें चोदने को प्यार नहीं कहते भाई। तुम लोग जिस चीज को डिफाइन कर दो ना कि लव हर या लव हिम, नहीं होता भाई वो। कुछ लोग तो कंपेयर करने बैठ जाते हैं खुद को राधा कृष्ण से। डीपियां लग जाएंगी भाई, डीपियां लग जाएंगी, राधा कृष्ण की पीएससी मैच हो जाएगी और नोट्स भी लग जाएंगे, नोट्स लग जाएंगे बायो में सब कुछ एकदम ऐसा राधा कृष्ण भाई साहब। एकदम लगता है कि अनकंडीशनल प्यार करता है सामने वाला, लगता है सुन लगता है ट्रू लो, लगता ट्रू है, मैंने बोला लगता है। किससे कंपेयर कर रहे हो तुम खुद को? राधा कृष्ण, लॉजिक राधा राधे, मथुरा से बिलोंग करता हूं मैं, तुम मुझसे अच्छे समझोगे भाई? वहां ऑटो वाला राधे राधे बोलने से पहले बैठाता नहीं ऑटो में। तुम मेरे ज्यादा समझोगे राधे राधे क्या होता है? नहीं कर सकते भाई तुम वो लेवल। और चलो मैं मान लूं एकदम, देखो रेयर केसेस में अनकंडीशनल मतलब प्यार मतलब मिल भी जाता है लोगों को, ठीक है। तुम सतयुग में जी रहे हो ना भाई, बिना झूठ के यहाँ ऑक्सीजन नहीं आती जेंजी में, ट्रू ट्रू वेरी ट्रू बिना झूठ के ऑक्सीजन भी नहीं आती भाई। तुम सोच रहे हो तुम्हारा रिलेशनशिप चल जाना या फिर जो भी है तुम्हारा रिलेशन, चलो मैं कि तुम सफल ही हो जरूरी नहीं, अगर तुम हाँ अपोजिट जेंडर हो तुम्हें लग रहा है तुम्हारा चल जाना है, बिना झूठ के कुछ चल नहीं सकता आज के टाइम पे। मैं ये भी नहीं कह रहा तुम्हें हर बात में झूठ बोलना है, माइनर झूठ से या फिर तुम्हारा एक प्रॉमिस तोड़ना जो लगता है कि यार सिंपल सा माइनर सा प्रॉमिस है, वो इंसान तो मुझे समझता है सामने वाला भाई, ये समझता ही तो मान ही जाएगा या मान ही जाएगी भाई, वहीं से सब खराब होना स्टार्ट हो जाता है सिंपली। ये सब जो बक रहा हूँ ना, ये सब आपको पता है क्यों बक रहा हूँ, ठीक है। ट्रू और अगर वो इंसान इस वीडियो को देख भी रहा है ना, मुझे घंट फर्क नहीं पड़ता, मैं खुले में कह रहा हूँ हाँ भाई खराब चीज हुई है मेरे साथ, बट हुई है मैं रोता नहीं बैठ के। अमोक कह रहा है ना कुछ चीज खराब हुई है, मतलब वो हुई है, ये बहुत ऐसा वाइस टाइप का बंदा है, ठीक है मैं तुमको बता रहा हूँ। और जितने लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं वो मेरे को 2-2.5 साल से जानते ही होंगे, सिंपली क्योंकि इसके चैनल पे कोई होंगे जो मेरे वाले होंगे, यूट्यूब वाले, तो हाँ, तुम्हारे उन लोग मेरे ऑडियंस को क्या जानते हैं। है? हाँ तो अगर उन लोग मुझे जानते तो सिंपली कि तुम्हें पता होगा मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, तुमने मुझसे बात करो, मैंने हर सब्सक्राइबर से इंटरेक्ट करा हुआ है, ट्रू ट्रू तो बस यही है यार, थोड़ा समझो तुम जो भी बोलते हो जस्ट मीन इट। और अगर तुम्हें लगता है कि एक माइनर सा भी तुम में खोट आ रहा है अंदर से कि हाँ यार मैं जो बोल रहा हूँ क्या मैं कर पाऊंगा, तुरंत पीछे हट जाओ, कोई फायदा नहीं उसको करने से, क्योंकि 100% श्योरिटी के बिना कुछ नहीं होता एंड अगर जब खुद सिंपली। पे ही डाउट आने लग गया कि ये होने नहीं वाला तो होगा ही नहीं। वो हो गई सिंपली, तुम इसको कहीं भी लाइफ में डाल दो, तुम्हें लग रहा है तुमसे नीट नहीं होगा, जेई नहीं होगा, भी नहीं होगा, तुम कुछ कर लो, तुम 12 घंटे पढ़ लो पर डे, तुम 22 घंटे पढ़ लो भाई, 1 घंटा सो, 1 घंटे में खाना पीना करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम सोच ले तुमसे नहीं होगा। तुम ब्रेन तुम्हारी बॉडी को उसी साइड में ढालता है जैसा तुम सोचते हो, जैसा सोचते हो वैसा होता है, ऐसे फालतू बात नहीं है, साइंटिफिक बात है वो एकदम से, मैं पढ़ता हूँ उस चीज को यहाँ पे। सिंपली सोचो अच्छा होगा अच्छा, एंड लोगों के बारे में अगर तुम्हें जानना है लोग लोग सिंपली, तो मेरा पॉडकास्ट देखो जाके, उसका लाइफ वाला पार्ट देखना अबाउट पीपल। हालांकि आई नॉट से फेक था वो सब, बट काफी हद तक कुछ चीजें गलत बोली थी उसमें, बट हाँ तुम सुन सकते हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने क्या गलत बोला। तो बस उस पॉडकास्ट को देखो जाके, लाइफ वाला पार्ट, लास्ट के 12-13 मिनट चाहिए, है ना, इतना ही था ना। हाँ नहीं 13 मिनट का समवेयर अबाउट लाइक दैट है, उसके एंड के 8 मिनट है शायद लाइफ वाले।
एग्जैक्टली भाई, आप बहुत बक दिया भाई, इतना ज्ञान पेल दूंगा लोग लो, 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 पूछने आ जाएंगे मुझसे भाई क्या हुआ। एक्चुअली भाई पूछने लगते हैं लोग, मैंने बाय चांस, मैं ना हुई नहीं उन झूठियों में से जो मतलब सैड स्टोरीज लगा देते हैं किसी बात को। भाई देखो, अपने साथ तुम जुल्म कर रहे हो, इफ यू आर लाइक शेयरिंग एवरीथिंग यू फील ऑन सोशल मीडिया, सोशल एवरीथिंग ट्रू यू ट्रू फील यू फील शुड नॉट बी लाइक शेयर ऑन सोशल मीडिया, वो सबसे गंदी चीज है, सब जान जाएंगे तुम्हारे वाले में, सिंपैथी गेनर लगोगे तुम, करेक्ट। बहुत बड़े जिनको चूतिये पता लगोगे होना, लाइन उनको पे। पता होना, वही वही काफी है। हाँ जिनको पता भाई, तुम्हारे पास क्लोज लोग हैं तुम्हारे जीवन में अगर, तो ठीक है उनको पता हो, नहीं है तो खुद अकेला रोलो बैठ के भाई, सब में गाँव मत जाके, खाना नहीं खाना है, डोरा नहीं पीटना है सब। ट्रू भाई, ऐसा तो सबके सामने बोल के नहीं फिर सकते ना कि हाँ दिक्कत हुई है, दिक्कत हुई है। नहीं हुई है भाई, पहलो अकेले। एग्जैक्टली, अगर नहीं है तो तुम्हारे पास भाई बहुत लोग हैं जिनके पास कोई नहीं है, तो जो आदमी तुम्हारे को भीख मांग रहा है रोड पे, तुम्हें मालूम नहीं उसके जीवन में कितना स्ट्रेस है, उसके पास कोई नहीं, उसकी फैमिली तक नहीं, वो अकेला ही रहता है, वो अकेला रोता है, अकेला खुद की बात सुनता है, खुद की सुनो सिंपली भाई, और कुछ नहीं करना है लाइफ वाले पार्ट में, इतना काफी है भाई, इसको खत्म करते हैं, वरना मैं बहुत बोल दूंगा, मैं बहुत ठीक है बोल ठीक है दूंगा। ठीक है। दैट इज इट भाई, बहुत ज्ञान फेल दिया मैंने, आ जा रहा हूँ ना हाँ देख, थोड़े पर्सनल इश्यूज अभी रिसेंटली, ये नहीं कि पुरानी बातें, रिसेंटली कुछ हुआ था तो थोड़े पर्सनल इश्यूज, उसको माइंड नहीं करना, और जो जो तुम्हें अच्छा लगे वो मानना, जो ना अच्छा लगे वो नहीं मानना, सिंपली दैट इज इट फ्रॉम माई साइड भाई। बहुत मजा आया, कितने दिन बाद भाई किसी वीडियो में आ सही रहा हूँ, में पॉडकास्ट में आ रहा हूँ, मेरा चैनल पे तो बहुत देखो टाइम जब हो गया वीडियो कितने आके। एक्चुअली मतलब हम दोनों का प्लान था कि हम लोग एक ऐसा मतलब डुओ पॉडकास्ट करना ही है, बट वो फिर कहीं और शिफ्ट हो गया था वो, हाँ ठीक है। ठीक है भाई, बहुत मजा आया लिटरली, जो भी अब हाँ अगर तुम्हें अच्छा लगा सिंपली शॉकर के, ये नहीं कहूंगा सब्सक्राइब वगैरह बिचारे कर दो, वैसे भी डालता नहीं है कुछ ये, बट हाँ वो भी है। जब जब भी डालेगा कुछ ऐसा बैंगर आने वाला है अब तो भाई, सब हाँ सही आने वाला है, जस्ट डू सब्सक्राइब और लाइक लाइक मार देना यार। मैं नहीं बोलता, मैं यूजुअली नहीं बोलता चैनल पे, मेरी आदत ही नहीं है बोलने की, लाइक ट्रू पॉडकास्ट अच्छा लगा तो भाई लाइक मार देना, सिंपली और पॉडकास्ट चाहिए और तुम्हें टॉपिक्स देने ना, ये तो बहुत, इट वाज जस्ट सो रैंडम, तुम्हें हाँ हमने टॉपिक्स भाई देने हैं लेजिट, तो। हम वीडियो कॉल पे थे, हमने सोचा भाई जूम में करते हैं यही चीज, हाँ एग्जैक्टली exactly. लेजिट बस ये यही रैंडम, सोचा। तो तुम लोग बस आके बोलो हमको, लाइक कमेंट मारो, डीएम मारो कि भाई ये टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए, कोई सिंगल एनिमे पे भी तुम्हें चाहिए ना कि हाँ चलो इस एनिमे की बिचिंग करो, तो हम वो भी कर देंगे, वो हाँ एंड अगर एनिमे के डीप थॉट भी चाहिए ना, वो भी चल जाएगा। मैं वो रेडी भी हूँ। चल जाएगा। हाँ भाई हम दोनों ही भाई डीप थॉट्स वाले आदमी, तो हाँ जस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही बोलना चाहूंगा भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत मजा चलो आया आज लोगों के गाइस, साथ, जब तक मिलते हैं। मैं नया वीडियो नहीं डालता तब तक के लिए मुझे मिस करते रहो। बाय बाय टाटा, सी यू, अलविदा।